जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा का परिणाम सुबह घोषित हुआ है, जिसमें कोस्ट अकाउंटेंट इंटर और फाइनल का परिणाम शामिल है। CMA जयपुर चैप्टर की फाइनल के परिणाम में ऑल इंडिया स्तर पर 23वीं रैंक पर तनिष्का जैन, 29वीं रैंक पर प्रियंका शर्मा, 41 पर दिनेश महत्ववानी और 47वीं रैंक पर हर्षित सोनी रहा। वही इंटर के परिणाम में ऑल इंडिया स्तर पर 12वीं रैंक पर तुषार सिंगल, 15वीं भूमिका, 28 यश मंगलानी और 35वीं रैंक पर पीयूष सोनी, 36वीं रैंक पर सोनिया धाकड़ और 45वीं रैंक पर तुषार रहे। परिणाम झुंझुनू की बेटी ने ऑल इंडिया रैंक हासिल कर सभी को गौरवान्वित किया है। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस दिशा में जल्द ही हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए पॉलिसी के प्रारूप पर शनिवार को सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा कर सुझाव लिए गए। इन सुझावों के आधार पर नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभरा सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 8.26% प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारी धरती को दिन प्रतिदिन कमजोर बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए सार्थक प्रयास करें। शर्मा ने कहा कि हम सब मिलकर पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का संकल्प लें और हरा भरा व स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। प्रकृति को बचाने के लिए बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर के SMS स्टेडियम से हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला तथा IMCT फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं तथा हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करते हैं। इनसे हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शर्मा ने कहा कि हम सबका ये सामूहिक दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वाहन से प्रदूषण फैलाते हैं, तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहें। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के परिजन और समाज के लोग तीसरे दिन ACMS अस्पताल के बाहर चल रहे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। उनका कहना है कि गलत तरीके से बाबूलाल को सस्पेंड किया गया था, जिससे वह परेशान थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। वे FIR में दर्ज 4 लोगों की मांग कर रहे हैं और मुआवजे के रूप में 2 करोड़ की मांग कर रहे। बाबूलाल ने अपने पुलिस के ग्रुप में एक सुसाइड नोट भेजा था, जिसमें उन्होंने सस्पेंड होने के कारण परेशान होने की बात लिखी थी। उन्होंने सुसाइड नोट की फोटो खींचकर अलमारी में रख दी थी और कुछ परिचितों और बैचमेट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।